बच्चों सुप्रभातम। आज हम आपको कक्षा नमम संस्कृत में समय लेखनम घटिका चित्रसाय समय लेखनम ये इसके बारे में समझाएंगे। इसको काफी व्याकरण काफी लिखना है। पूर्ण माने होता पूरा, ये है इस पूर्ण ये एक बजा है तो एक वादनम, दो बजे द्वि वादनम, तीन बजे त्र वादनम, छः बजे अष्ट वादनम, आठ बजे आए तो अष्ट वादनम और बारह बजे आए तो द्वादश वादनम। ये पूर्ण में होता है पूर्ण समय। इसी चार बजे आए चतुर्वादनम। इसी प्रकार से इसके बाद आता है आर्ध। आर्ध माने होता है आधा साढ़े। जैसे इस घड़ी में लिखिया ये साढ़े चार बजा हुआ है तो इसको लिखेंगे साढ़ चतुर्वादनम। साढ़े चार बजा हुआ है, साढ़े पांच बजा हुआ है साढ़ पंचवादनम, साढ़े छह बजा हुआ है तो साढ़ षष्ठवादनम, साढ़ सप्तवादनम, साढ़ अष्टवादनम। इस प्रकार से इसको ये आधा हुआ आपका। अब इसके बाद आता है पादों। पादों को कहते हैं पौन। तो ये घड़ी आपकी घड़ी बजा रही है पौने पांच, तो इसको कहेंगे पादों पंचवादनम। पौने को पादों पंचवादनम। अगर छह छोटी सुई छह पर है और बड़ी सुई नौ पर है तो क्या हुआ, क्या बोलेंगे, पादों षष्ठवादनम, पादों अष्टवादनम, सप्तवादनम, पादों अष्टवादनम, पादों नववादनम, पौने नौ। इस प्रकार ही आपका पौन का। फिर इसके बाद आता है सवा। सवा सवा पांच सवा छह यानी पांच बजकर पंद्रह में उसको कहते हैं सवा। ये आया है सवा पंचवादनम, पांच बज के पंद्रह मिनट। तो सपार पंचवादनम, ऐसे सपार षष्ठवादनम, सपार अष्टवादनम, सपार नववादनम, सपार द्वादशवादनम, बारह बजे हुआ सवा बारह बजे हुआ। तो इसी प्रकार से ही आपका पूरा हुआ। इसको आप घड़ी पूर्ण उसको कॉपी पर बनाने व्याकरण कॉपी पे और इसकी तैयारी करें। सब ये इसी प्रकार से। धन्यवाद।